guys. Now we are going to write the question answer of chapter 2, the earliest societies. इसके जो questions है, exercises है, वो आपको page number 19 पर दी हुई है. ठीक है, तो exercise आपको chapter को फिर से read करना है, exercise find out करना है और उसको fill करके उसी pick group पर send करना है. अब हम इसके answers लिखेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है इसका, उसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट. शॉर्ट में आपको आंसर्स लिखना है. ओके, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द स्टोन एज इन देयर प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके, तो आंसर क्या आएगा, द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द स्टोन एज वर. फर्स्ट क्या है, पैलोलिथिक एज, जिसको ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट है मेसोलिथिक एज, जिसको मिडिल स्टोन एज के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट न्यूलिथिक एज, न्यू स्टोन एज, एंड कैलकोलिथिक एज, जिसको ब्रॉन्ज स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है. ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू स्किप. हम लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन का आंसर. थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द पैलोलिथिक मैन डिस्कवर फायर. ओके, तो आंसर क्या होगा, इट इज़ बिलीव्ड दैट द पैलोलिथिक मैन मस्ट हैव रब्ड टू स्टोन्स एंड स्पार्क्स प्रोड्यूस्ड लिट अ फ्यू ड्राई लीव्स लाइंग नियर बाय, दस ही डिस्कवर्ड फायर. ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपको स्किप करना है. हम लिखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, वाई इज द पैलोलिथिक मैन कॉल्ड अ नोमेड. पैलोलिथिक मैन को नोमेड क्यों कहा जाता था, क्यों कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, द पैलोलिथिक मैन वॉज कॉल्ड अ नोमेड बिकॉज ही वॉन्डर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस हंटिंग एंड गैदरिंग फूड. तो आपको प्लेस के बाद क्या लिखना है, यहाँ पर फॉर लिखना है, फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग फूड. बुक में नहीं दिया है लेकिन हमको यहाँ पर ऐड करना है. ओके, तो आपको ये तीनों आंसर्स आपकी हिस्ट्री की कॉपी में लिखना है एंड लर्न करना है. इसके आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, उसमें लॉन्ग आंसर है. ठीक है, जो हम नहीं करेंगे. ओके, हैव अ नाइस डे.